खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से बढ़ता प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग आज संपूर्ण जगत के लिए चिंता का मुख्य विषय बन गई। ये बातें आज ग्वालटोली स्थित अरुख धाम में पर्यावरण संतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए अमरीकी स्पाइस साइंस वैज्ञानिक डॉक्टर सूरज रावल जो कि भारतीय मूल के ने कही। डॉक्टर सूरज रावल जिन्होंने सन 1962 में बिनेसडी इंटर कॉलेज कानपुर से इंटरमीडिएट किया और मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उसी वर्ष डॉक्टर रावल का सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में हो गया। उन्होंने अपनी बीटेक एवं एमटेक की डिग्री आईआईटी कानपुर से प्राप्त की। सन 1969 में उन्होंने अमरीका के ब्राउन यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी करने के लिए आमंत्रित किया गया। अपनी पीएचडी उपाधि ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अमरीका कई कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य किया। वर्तमान में डॉक्टर सूरज अमेरिका के उच्च फर्म में बतौर रॉकेट साइंटिस्ट कार्यरत हैं। डॉक्टर सूरज ने बताया कि आज पर्यावरण सुरक्षा पूरे विश्व की समस्या, पृथ्वी जल एवं वायु सब कुछ प्रदूषण हो रहा, कहीं विश्व के कई हिस्सों में चल रहा युद्ध, कहीं प्रतिकरण ऑप्शन आप दोहन, इसलिए विषय गंभीर होता जा रहा है। कार्यक्रम में अमरीका से आई आशा ग्रोवर ने कहा कि प्रदूषण से हमारे शरीर से शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रोकधाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने कहा इस समस्या से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। सभी देशों का दायित्व बन जाता है कि अपने अपने वायु का प्रदूषण रोकें एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। यह समय की मांग है, हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल व शुद्ध वायु उपलब्ध कराना होगी, तभी मानवता सुरक्षित रखी जा सकती। प्रकृति के मूल को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों को सहज रखने की आवश्यकता है। मेरा नाम डॉक्टर सूरज रावल है, इंजीनियरिंग डॉक्टर, और मैं यूएस में डेनवर कोलोराडो में रहता हूँ। और मैंने यहाँ आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री की थी और उसके बाद से पिछले जितने भी सालों से वहाँ हूँ, लगभग 55 साल। सर, बढ़ता प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या चीज? जो प्रदूषण है, हाँ, बहुत बड़ी समस्या है बढ़ता हुआ। क्या वजह है, कैसे रोकथाम करनी चाहिए इसकी? तो पोल्यूशन के शुरू होने की तो कई हैं, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इतनी कारों और इतना गैस निकलना, एक वो एक बड़ा सोर्स था, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किए थे कि एमिशन जो कहते हैं ना, कार एमिशन को कितने होना चाहिए। पहले बहुत था और हम धीरे धीरे कारों को ऐसा बना रहे हैं कि एमिशन लेवल ख़त्म हो जाए, तो कारों का भी कुछ इसी तरह से बिजली और उसको बनाने के लिए जो हाइड्रोलिक पावर और कुछ तरीके जो बनाने के थे उनसे भी वो भी बहुत एनर्जी इंटेंसिव हैं, जिससे कि पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हालांकि सोलर एनर्जी थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन धीरे धीरे उसमें यही तो है कि हम बस सन की इंतजार करते हैं, मतलब सन से और से बैटरी में जोड़ लेते हैं रोशनी, और तो वो जो चीज़ें हैं चाहे पेट्रोल हो या एनर्जी इंटेंसिव सोर्सेज हों, और बाकी जो हम जितना चीज़ें बनाते हैं फैक्ट्रीज में खाना बनाने, मतलब मीट उसमें, उससे भी पोल्यूशन होता है धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी वो इंतज़ाम करते हैं हम लोग, जितने औजार सूझते हैं उनसे भी पोल्यूशन बहुत हो जाता है। सर, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फ्यूचर क्या रहेगा हम लोगों का? या तो कंट्रोल करने के लिए किसी एक देश की, जैसे कह रहे थे ना, कि जिम्मेदारी नहीं है, सबकी एक ही साथ की जिम्मेदारी है। उसमें है क्या कि राजनीति का चक्कर आता है, वो कहते हैं कि भाई हम आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास तो ये है, इसने नहीं कर सकते ऑल दैट, तो वो स्टैंडर्ड्स किस तरह से कितने कम होंगे धीरे धीरे। और मैंने कहा कि तीसरे डेसिमल प्लेस तक की थोड़ा सा चेंज करने के लिए एक 10 साल लग जाते हैं, कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तो किसी न किसी तरह हमको करना है। पता नहीं हमने आपका जवाब दिया कि नहीं, लेकिन इन्हीं जो हमने गलतियां की, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन पैदा करने के लिए, हमें ये भी समझ आ गया धीरे धीरे कि क्यों हुआ, अब धीरे धीरे हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से घने जंगल थे पहले शहरों में हुआ करते थे, उनको काट के अब कंक्रीट के मकान बना दिए गए, क्या ये भी कोई कारण माना जा सकता है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उसमें वही है ना कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ लाइफ, कि घर भी बनाने हैं
मतलब कनाडा वाले कहते हैं कि हम यहाँ बहुत लकड़ी होती है उन्होंने, और उसके साथ ईंटों को बनाने में और भी मेहनत होती है, पोल्यूशन उससे भी ज़्यादा होता है। तो यही जैसे ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।